ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। तपस्या एक बहुत श्रेष्ठ चीज है और जो तपस्या करते हैं उनकी समस्याएं शांत हो जाती हैं, वो महान बन जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ जाता है और वो बाबा की सेवाओं में भी अहम भूमिका निभा पाते हैं। भगवान के बच्चे ही यदि तपस्वी नहीं बनेंगे तो भला और कौन बनेगा? जिनके पास सहज ज्ञान हो, जिन्होंने सारे रहस्य जान लिए हों, जो योग की सरल विधियां जान गए हों, वो भी यदि तपस्वी नहीं बनेंगे तो भला और कौन बनेगा? याद रखेंगे, जहाँ त्याग है वहीं तपस्या है। और हमें विशेष रूप से आज ध्यान देना है पास्ट की बातों पर। पास्ट को पूरी तरह भूल जाएं, पुरानी बातें और पुराने संस्कार जैसे पुराने जन्म की बातें हैं, नया जन्म हो गया वो सब पूर्ण हो गए। क्योंकि जो मनुष्य पुरानी बातों में रहते हैं, पुराने प्रभाव को समाप्त नहीं कर पाते, पुरानी घटनाओं को याद करके अपने वर्तमान सुख को मैला किए रहते हैं, पुरानी बातों के इफेक्ट से मन को परेशान रखते हैं, पुरानी बातों के कारण अपने एटीट्यूड्स निश्चित करते हैं, वे सचमुच व्यर्थ संकल्पों के शिकार हो जाते हैं और वे कभी भी सुंदर संकल्पों का आनंद नहीं ले पाते हैं। बाबा की तो बहुत अच्छी, हमारे लिए कल्याणकारी श्रीमत है, कम सोचना है, इकोनॉमी करनी है। संकल्पों की इकोनॉमी करेंगे तो कर्म और सुंदर होंगे, एक्सेलेंस हो जाएंगे। और यदि संकल्प बहुत चलते होंगे तो कर्म क्षेत्र पर भी काफी कठिनाइयां होंगी। कम खर्च वाला मशीन, इकोनॉमी यत एक्सेलेंस, ये कहावत है। तो हम पहली इकोनॉमी करें अपने संकल्पों की। और ये बहुत ही जरूरी है कि पास्ट को हम जैसे कब्र में डाल दें, उससे हमारा कोई नाता नहीं, वो तो पूर्ण हो गया। तो आइए हम श्रेष्ठ तपस्या का आनंद लें, प्रभु मिलन का सच्चा सुख प्राप्त करें। ये प्रभु मिलन भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त हुआ है। इस प्रभु मिलन से हमारे जन्म जन्म के कष्ट मिट जाते हैं। सोच लें, जिसे मिलने के लिए हम इंतजार करते थे, उससे सदाकाल के मिलन का अधिकार हमें प्राप्त हो गया है। क्या हम इस अधिकार का संपूर्ण लाभ उठा रहे हैं या हम इधर उधर लगे हैं? तो संगम युग का ये अनमोल समय बातों में व्यतीत न हो, क्योंकि जहाँ बातें हैं वहाँ पाप नहीं हो सकता। तो आज हम गहन तपस्या का बहुत सुंदर अनुभव करेंगे और एक सुंदर मनोरंजक अभ्यास चालू रखेंगे। मेरे लेफ्ट साइड में ऊपर है ब्रह्मा माँ, देखो उन्हें ध्यान से, वो हमारी माँ है। माँ की गोद हमें शीतल कर देती है, उनके प्यार का स्पर्श हमारे दुखों को समाप्त कर देता है। बाबा के मस्तक से शीतलता के वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं। दूसरी ओर राइट साइड में ऊपर देखें, ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं, जो सर्वशक्तिवान हैं, उनकी शक्तियों की किरणें मुझमें समा रही हैं। फिर लेफ्ट साइड में ब्रह्मा माँ से शीतलता की किरणें लें और फिर राइट साइड में ऊपर देखकर ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लें। योग को ऐसा मनोरंजन आज बनाएंगे और हर घंटे में एक बार ऐसा 5 बार अभ्यास अवश्य करेंगे।
ओम शांति।